नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरह यहाँ पे आप ओपेरा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए हमें ब्राउज़र पे चले जाना है। आपके पास जो भी ब्राउज़र हो आप उसमें चले जाइए। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं google.com पे चले जाता हूँ। यहाँ पे गूगल, और यहाँ पे आप आ जाइए। फिर यहाँ पे आ जाने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है ओपेरा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ ओपेरा। तो इसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो नीचे वाला लिंक आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो HTTPS, ये ओपेरा www.opera.com। तो इस पर चले जाना है। इसे मैं यहाँ से हाईलाइट भी कर देता हूँ ये वाली साइट। तो इस पर चले जाना है। जैसे ही यहाँ पे आप आ जाओगे यहाँ पे आपको देख लेना है यहाँ पे opera.com ही होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है यहाँ पे हम थर्ड पार्टी साइट पे चले जाते हैं और वो डाउनलोड भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे ओपेरा तो है ना। फिर यहाँ पे हमें चले जाना है डाउनलोड नाउ पर। अगर आपको चाहिए तो ऐसे मैं जूम भी कर देता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड नाउ। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे फाइल भी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइल भी अभी डाउनलोड हो रही है। तो इस फाइल को डाउनलोड होने दीजिए। ये आपका इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहता है तो ये फाइल जल्दी से जल्दी और डाउनलोड भी हो जाएगी। फिर ये हो जाने के बाद में यहाँ पे हम इसे ओपन कर दें और यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या आपको ये डाउनलोड करना है। तो हम रन पर चले जाएंगे और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोसेस ले रहा है थोड़ा। और यहाँ पे आ रहा है फास्ट एंड सिक्योर ब्राउज़र, तो इंस्टॉल पे चले जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोडिंग भी हो रहा है। तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये डाउनलोड भी हो चुका है और ये बहुत ही जल्दी जैसे ही इंस्टॉल हुआ वैसे ही ये रन हुआ और ये विंडो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसे यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ और ये टास्क बार में से भी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ अनपिन फ्रॉम टास्क बार। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ओपेरा तो ये पहला ही ऐप आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे ओपेरा ओपन हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पे आप ओपेरा तो डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया था। बहुत ही इजी वे में यहाँ पे मैंने समझाया था। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो यहाँ पे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।